गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी टेक ओवरव्यू ऑफ द लॉ ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर। इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड और लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड चलता है हमारा। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या रहते हैं हमारे वेरिएबल। लेकिन रिटर्न टू स्केल जो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड कंसेप्ट है, इसके अंदर सभी फैक्टर्स क्या रहते हैं हमारे पास, वेरिएबल फैक्टर्स रहते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था, दैट इज द रिटर्न टू फैक्टर एंड द रिटर्न टू स्केल। अगर हम बात करते हैं रिटर्न टू फैक्टर की, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वन फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है, अदर फैक्टर्स क्या रहता है हमारा, फिक्स्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स रेशियो वेरीज बोल। इसके अंदर हमारी फैक्टर रेशियो क्या करती है, वेरी करती है। और रिटर्न टू स्केल को, जिसके अंदर हमारे सभी के सभी फैक्टर्स क्या रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर रेशियो। इसके अंदर रिमेंस क्या रहती है हमारी, कॉन्स्टेंट रहती है। बेसिक डिफरेंस क्या रहता है हमारा रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल जो हमारा रह गया है। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर जो टाइप ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। रिटर्न टू फैक्टर में आप एक तरह से लाइन बन लगा लोगे, बीच में एक तरफ लिखोगे रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड तरफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हमारा क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर रेशियो होती है, और रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या रहती है हमारी, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हमारे वन फैक्टर क्या रहता है, फिक्स्ड। ऑल फैक्टर्स क्या, जिसके अंदर सभी के सभी फैक्टर्स क्या रहते हैं हमारे पास, फिक्स। ओनली एक फैक्टर क्या रहता है हमारे पास, वेरिएबल होता है। रिटर्न टू स्केल के अंदर सभी के सभी फैक्टर्स क्या रहते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, रिटर्न टू फैक्टर के अंदर चेंज नहीं होता हम मानकर चलते हैं, और रिटर्न टू स्केल के अंदर हमारा प्रोडक्शन जो होता है चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैक्टर रेशो। रिटर्न टू स्केल के अंदर हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो फैक्टर रेशियो कॉन्स्टेंट रेट से चेंज होगा, जस्ट लाइक 4 है लेबर, तो नेक्स्ट टाइम हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन तो कितनी हो जाएगी, 8। कैपिटल अगर 8 है तो कितनी हो जाएगी, 16। मतलब कॉन्स्टेंट रेट से चेंज होता है, लेकिन इस हमारा जो रिटर्न टू फैक्टर है, इसके अंदर इस तरह से कोई भी चेंजेस नहीं होता। टाइम पीरियड की बात करते हैं, जो हमारा रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड कंसेप्ट है, और रिटर्न टू फैक्टर क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कंसेप्ट। तो रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हमने तीन तरह की क्या पढ़े थे, थ्री टाइप्स के हमने पढ़े थे फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होता है मोर एंड मोर व्हेन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, द आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज एट द टाइम व्हेन इंक्रीजिंग रेट से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। कैसे, जब हम मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, हमारी जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो 4, 6, 8, 10, 12, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कम। जहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, वहाँ पे कॉस्ट, आपकी जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे आपकी जो प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद इसके कुछ कॉजेज थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के, कॉजेज क्या था, फुल यूटिलाइज करना फिक्स फैक्टर को, एफिशिएंसी इंक्रीज करना वेरिएबल फैक्टर, मींस उसको स्पेशलाइजेशन बनाना उसके काम का, बेटर कोऑर्डिनेशन करना बिटवीन द फैक्टर, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच क्या करना, अच्छे से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। सेकंड था हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज द एप्लीकेशन ऑफ द आउटपुट बट नो मोर रिजल्ट इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द आउटपुट इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, जहाँ पे आप कि जो हमारा, अगर हम बात करते हैं जहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, कारकों के समान प्रतिफल मिल रहे हैं, उसके अंदर में बेसिकली क्या रहता है, हमारा जो आउटपुट होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, समान रेट से जब इंक्रीज होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, जहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है, सेम। मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, और कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑलवेज क्या रहती है, रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है। इसके कुछ कॉजेज थे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना फिक्स फैक्टर का, मीन्स वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए, आइडल फैक्टर रेशो, कोई भी फैक्टर आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आइडल बेकार नहीं पड़ा होना चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइज करना किसका, वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ। उसके बाद था थर्ड पॉइंट, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, या जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर एट अ डिक्रीजिंग रेट से, जब इंक्रीज होता है तब उसको क्या बोला जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसके कुछ कॉजेज थे, फर्स्ट पॉइंट था हमारा फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मीन्स सभी जो हमारे जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते जाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो एक लेवल के बाद हमारा जो आउटपुट होता है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। मीन्स क्या होता है, उसका ओवर यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फिक्स टी ओ फैक्टर। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटिट्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि फिक्स फैक्टर और हमारे पास जो वेरिएबल फैक्टर दोनों एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ नहीं कर सकते। जो फिक्स फैक्टर का काम है वो फिक्स फैक्टर करेगा और जो लेबर का काम है वो लेबर करेगा वेरिएबल फैक्टर। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, फैक्टर्स के बीच क्या रहता है, बेसिकली पुअर कोऑर्डिनेशन होने से भी हमारे को क्या मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो किसने डेवलप किया था, मार्शल ने एक्सप्रेस किया था, जो हमारे बेसिकली किसमें अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी बोला जाता है, जिसके अंदर हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो ऑलवेज रिमेन क्या रहते हैं, फिक्स, लेकिन चेंजेस किसमें हम कर सकते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस कर सकते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस थी कि टेक्निक ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्शन होगा इसमें एक फैक्टर फिक्स होगा, जो आउटपुट होगा आप वेरिएबल फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हो, जो वेरिएबल टाइप प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है, और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स क्या रहेंगे, आपकी होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट रहेंगी। इसके बाद इसकी कुछ स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, मेनली स्टेजेस जो हमारी जो क्वेश्चन पेपर में रहता है, जो आपको ये टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जैसे जैसे एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जब 2, 1, 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रही है, माइनस हो गया तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हमारी एमपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एमपी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये भी जब ये पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर हमारी एमपी क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, हमारी एमपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज की जब हम बात करते हैं, सेकंड स्टेज जो हमारी ये सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीजिंग रेट से, तब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। जब टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी जी पॉइंट के ऊपर, जब मैक्सिमम हो जाएगी तब हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, मतलब क्या, नीचे की तरफ होना स्टार्ट होती है, तब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। तो ये कुछ स्टेजेस थी हमारी किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन की, जो इस टेबल के अंदर 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद कुछ कॉजेज थे किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। फर्स्ट था इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सेकेंड था फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोर देन ऑप्टिमम यूज ऑफ द फिक्स फैक्टर, फोर्थ था हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्परफेक्ट तो वही सब्स्टिट्यूशन है कि फिक्स फैक्टर के प्लेस पे फिक्स फैक्टर ही काम करेगा, आप उसके प्लेस पे वेरिएबल फैक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अगर आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, एक नोटबुक के लिए लो या फिर 10 नोटबुक्स के लिए वो मशीन लो, तो कॉस्ट क्या कैसी होती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे आपकी कॉस्ट क्या होती है, कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होती हो जाएगी। तो जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो वहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इनिशियली कम होने स्टार्ट हो जाती है। अब पोस्टपोनमेंट कब हो सकते हैं इस लॉ का, जब आप टेक्निक में इम्प्रूवमेंट कर दो, या आप जो सब्स्टिट्यूट फैक्टर है जहाँ पे आप फिक्स फैक्टर के प्लेस पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट फैक्टर फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा अप्लाई नहीं होता। उसके बाद है रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जिसके अंदर सभी के सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। इसको हम लॉन्ग रन कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसके 3 पार्ट्स हैं मेन्स, बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अकर व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर इनपुट्स कॉजेस प्रोपोर्शनेटली और ग्रेटर इंक्रीज इन द आउटपुट। जब आप इनपुट में इंक्रीज करते हो तो प्रोपोर्शनेटली, जब देखो यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, इनपुट के अंदर इंक्रीज किया हमने 10 से 15 किए, तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 15 से कितना हो गया, 22.5 हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप इनपुट में इंक्रीज करते हो, जब उससे ग्रेटर परसेंटेज अगर आपके किस में चेंज होता है, आउटपुट में चेंज होता है, उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहे होते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। क्या कारणों से मिल रहे होते हैं, या तो इंटरनल इकोनॉमाइज मिल रही होती है, हमें आंतरिक बचते,
या हमें क्या मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमाइज, हमें बाहरी कुछ बचतें मिलनी स्टार्ट हो रही होती हैं। जब इंटरनल इकोनॉमाइज मिलती है तो उसके कुछ कारण, जो एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती है इंटरनली इकोनॉमाइज जो होती है, या तो उस फर्म ने न्यू टेक्निक को यूज़ किया या अपनी फर्म के साइज़ को क्या किया, एक्सपेंड किया, तो उसको क्या मिलनी स्टार्ट होती है, इंटरनल इकोनॉमाइज मिलनी स्टार्ट हो रही होती है। इसके कुछ पॉइंट हो सकते हैं, मीन्स आपने टेक्निकली कुछ इंप्रूवमेंट किया हो, लेबर को आप बार बार सेम वर्क दे रहे हो उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूवमेंट कर दिया हो, मैनेजर आपने जो मैनेजमेंट है वो अच्छे एफिशिएंसी से काम कर रही हो, फाइनेंशियल इकोनॉमाइज आपको जो लोन मिल रहा है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा हो। इकोनॉमीज ऑफ परचेज एंड सेल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल क्या करते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हो लो प्राइस के ऊपर। इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, जहाँ रिस्क जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की होती है, एक पर्टिकुलर फर्म को नहीं मिलती बल्कि सभी इंडस्ट्रीज को मिलती हैं। अब इसके मिलने के भी कुछ कारण होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक ही प्लेस पे सभी ने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, सभी फर्म्स एक ही प्लेस पे एस्टेब्लिश हो गई हूँ। इकोनॉमीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है एक इंडस्ट्री के बारे में तो सभी की इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाती हो। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि ये हमें इंटीग्रेशन जो डिसइंटीग्रेशन जो होती है वो हमें हॉरिजॉन्टल भी मिल सकती है और वर्टिकल भी मिल सकती है। हॉरिजॉन्टली अगर मिलेगी तो क्या होगी, सभी को सेम मिलेगी, और वर्टिकल मिलेगी तो सभी फर्म्स के लिए क्या क्या होंगी, कैसी होंगी, वो डिफरेंट होंगी। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, जब हम जितना हम इनपुट में चेंज करते हैं, अगर हमारा उतना ही किस में चेंज होता है, आउटपुट में चेंज होता है, 10 से कितना हो गया 15, 20, आउटपुट भी कितना हो गया 10 से कितना हुआ हमारा 20, तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल किसी सिचुएशन तब अगर होती है जब इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ इनपुट इज सेम परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब इसके भी कुछ कारण होते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं होती है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल बैलेंस्ड मिलना स्टार्ट हो जाए। फिर भी इसके कुछ कारण होते हैं जो हमें क्या मिलनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की सिचुएशंस भी अराइज होती हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, हमें जो इकोनॉमिक्स है उसका ओपिनियन है कि जो टेक्निकल इकोनॉमीज है कंटिन्यूस अवेलेबल एक्सपेंडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, मींस जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा है उससे उसका लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। जनरली अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो एक स्टेज पे हमें कुछ क्या कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट एक इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल भी क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना हम इनपुट में इंक्रीज करते हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कॉजेज आर प्रोपोर्शनेटली लेस इंक्रीज इन आउटपुट, जितना परसेंटेज इंक्रीज करते हो इनपुट के अंदर उतना परसेंटेज जब आउटपुट में इंक्रीज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसके भी कुछ कारण होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलने के भी कुछ हमारे बेसिकली कारण रहते हैं। जब हम क्या करते हैं, आउटपुट को जब हम एक्सपेंड करते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि पहले हमारी प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फिर एक लेवल के बाद कॉन्स्टेंट उसके बाद हमें क्या मिलने स्टार्ट होते हैं, मीन्स कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, मतलब सो मैनी केसेस हो सकते हैं, उसका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस चेंजेस हो जाता है, तो इस वजह से उसको क्या मिलने स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर को डिसइकोनॉमीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की दो तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ही मिल सकती हैं। जो इंटरनल डिसइकोनॉमीज अराइज होती हैं वो एक फर्म को मिलती है, पर्टिकुलर फर्म को मिलती है, मीन्स अगर उसने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया एक लिमिट के बियॉन्ड प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो उसको क्या मिल सकते हैं, इंटरनल डिसइकोनॉमीज अराइज हो सकती हैं। अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छा नहीं चल रहा तो हमें कुछ डिसइकोनॉमीज अराइज हो सकती हैं एक पर्टिकुलर फर्म को। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज एक फर्म को नहीं मिलती, जो किसको मिलती है, फुल इंडस्ट्रीज को मिलती है, पोल्यूशंस के कारण हो सकती है, तो इस वजह से कुछ डिसइकोनॉमीज हमारी अराइज होती हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू, एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी।